भारत के रहने वाले यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबा की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सीयूटी बट, सीयूटी कट, एन्यूटी नट, प्यूटी पुट, नहीं ब्यूटी बट होता है तो प्यूटी तो पट होना चाहिए। मम्मी मम्मी बोल पुत्तर। मम्मी ब्यूटी बट होता है पर प्यूटी पुट क्यों होता है? हिंदी में पूछ। मम्मी तो इंग्लिश में। हाँ हाँ तभी तो कहा कि हिंदी में पूछ। पर मम्मी मैं इंग्लिश को हिंदी में कैसे पूछ सकता हूँ? ब्यूटी बट प्यूटी पुट क्यों होता है? पुत्तर तेरे को क्या बोलना अच्छा लगता है? पुट। तो तू पुट पुट ही कर, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बेटे को पुट पुट करने से कौन रोकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है, अगर मैं अपनी मनमानी करूंगा तो टीचर भी मुझे अपनी मनमानी से मार्क्स देगी। देख अगर तेरे को स्कूल में टीचर ये पूछे ना कि बैंगन का परथा कैसे बनाते हैं, तब तू मुझसे पूछना, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगी कि पूरे हिंदुस्तान में तू नंबर वन आएगा। अच्छा मम्मी ये बताओ कि अगली का ऑपोजिट क्या होता है? पहले तू मुझे ये बता कि ये अपसेट क्या होता है। मम्मी ऑपोजिट मतलब उल्टा। अच्छा अच्छा अपसेट का मतलब होता है उल्टा है। ले अब तू मुझसे कुछ भी पूछ ले। अच्छा मम्मी अगली का ऑपोजिट क्या होता है? अगली का उल्टा पिछली। कमाल है, अगली का उल्टा पिछली होता है। अगली का उल्टा पिछली, अगली का ऑपोजिट पिछली। ओह नो गंगा दीदी, ये आप क्या सिखा रही है? इसे बच्चे का फ्यूचर खराब कर देंगी। श्याम अगली का ऑपोजिट होता है ब्यूटीफुल। अगली का अपसेट होता होगा ब्यूटीफुल, पर अगली का जो उल्टा होता है ना वो पिछली होता है। तू जलती है मुझसे, तू नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है वो अगली क्लास में जाए, तू चाहती है वो पिछली क्लास में लटका रहे। तू जो मुझे कहा ना, मैंने कहा वो पढ़, अगली का उल्टा पिछली होता है। गंगा दीदी आपको नहीं पता ये इंग्लिश है, इंग्लिश। आय हाय मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेबेट टू ग्रेबेट, पांचवी क्लास पढ़ी हूँ। वो अलग बात है कि मैं पांचवी में फेल हो गई थी, पर चार तो पूरी की है ना। उफ, she's too much. क्या माच माच लगा रखी है तू? पढ़ मेरा पुत्र, पढ़ पढ़ शाबाश। काला डोरिया कुंडे नाले अड़ियाई हो एक छोटा तीबरा, बाबी नाले लड़ियाई हो ए। हाय गड्डी पलट गई, ओए 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 ओए। बहू। हाँ जी पिताजी। बहू आज का अंग्रेजी का अखबार मैंने यहीं कहीं रखा था, तुमने देखा क्या? नहीं पिताजी। ये क्या है? पिताजी गड्डी पलट गई। गाड़ी नहीं पलटी है, हैं? अखबार उल्टा पकड़ा है। अच्छा अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का फिर ले जाओ पिताजी। मम्मी मम्मी। हाय आ गया मेरा पुत्र है। राम कहाँ है? वो दोनों चले गया है। मम्मी ये देखो टीचर मुझे लेटर दिए है। तुसी बड़े मजाक किया हो, रोज तो टीचर से मिलते हो, फिर हाल चाल जानने के लिए जो लेटर क्यों दिया? ओहो मम्मी वो लेटर नहीं, इस लेटर में लिखा हुआ है नेक्स्ट टीचर पेरेंट्स मीटिंग में अगर मैं आपको नहीं लाया तो स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। हाँ ये लिखा है, खैर मैं देखती हूँ।
मुझे ये तो अंग्रेजी में लिखा है। मम्मी आपको अंग्रेजी पढ़ने का आती है? आती आती है। देख इसमें लिखा है कि नेक्स्ट प्रांत टीचर मीटिंग में अपनी मम्मी को नहीं लाए तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मम्मी मैंने आपको ये सब अभी अभी कहा था। हाँ हाँ वही तो मैंने तेरे को पढ़ के सुनाया। मम्मी इसमें और कुछ भी लिखा है? और कुछ भी लिखा है? क्या लिखा है? लाओ मैं पढ़ दूँ मम्मी। अगर तू नहीं पढ़ना था तो पहले ही पढ़ देता। मम्मी मैं शामनी, मैं राम हूँ। शाम को आपके लेफ्ट में, मैं आपके राइट में। हाय मेरा पुत्र है। कभी कभी मैं तुम दोनों को देख के ना फ्यूज हो जाती हूँ। मम्मी फ्यूज नहीं कंफ्यूज। लाओ मैं पढ़ दूँ। इसमें लिखा है कि शाम इंग्लिश में बहुत कमजोर है। हाय बहुत कमजोर है। मैं ना इसका दूध दुगना कर दूंगी। वो वाला कमजोर नहीं, पढ़ाई में कमजोर। इसमें लिखा है कि शाम हर टेस्ट में कम नंबर लाए इसलिए आपको बुलाया, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे निकाल देंगे? हम स्कूल की फीस भरते हैं, वो भी 200 रुपए। मम्मी शाम को पढ़ाने के लिए 200 नहीं 2 लाख रुपए की फीस भी कम पड़ जाएगी। शर्म नहीं आती अपने भरा का मजाक उड़ाते हुए? तू जाना कल उनके पास और उन लोगों को समझा देना। मम्मी मैं कैसे जा सकता हूँ, आपको बुलाया है। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, इसकी टीचर ना अंग्रेजी में बहुत पटर पटर करती है, वो मुझे समझ नहीं आती और जो मैं कटर पटर करती हूँ वो उसको समझ में नहीं आती। मम्मी मैं नहीं जा सकता, मैं तो उसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। राम ओ या शाम आया तो था यहाँ पे। तो तूने उसको क्या कहा मेरी छोटी बहन? मैंने उसे कह दिया कि मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगी। सच? अब तक तो सच ही था पर अब लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगी। तुसी बड़े मजाक किया हो। पहले जो तूने कहा था ना वो बहुत अच्छा सच्चा था, अब आप इतना गंदा शंदा बोल रहे हो। तो गंदा दीदी, मुझे सडनली एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया उस दिन के लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट है पर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका से एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन आ रही है, मुझे बड़ी मुश्किल से उसके साथ अपॉइंटमेंट मिला है, मैं नहीं जा पाऊंगी। देख प्यारी जेम्स, मैं ना तेरे को बाद में अमेरिका अपने खर्चे पर भेज दूंगी, अभी तो स्कूल चली जा। मैं क्यों चली जाऊं? शाम आपका बेटा है, आप चली जाइए। वो तेरा भी तो कुछ लगता है ना। पर दीदी आई एम बिजी। जेम्स अगर मैं उसके स्कूल चली गई और मुझसे कुछ उल्टा सीधा क्या हो गया तो कहीं वो मेरे बच्चों को फेल छेल ना काटे। गंगा दीदी आई एम रियली सॉरी पर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। देख देख आप तू ना मुझे गुस्सा दिला रही है और मेरी मजबूरी का नजायज फायदा उठा रही है। ओ या आपका काम आप खुद कर नहीं रही है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। तो ठीक है अब इस माँ का गुस्सा जाग शाग उठा है। तेरे को थोड़ी अंग्रेजी क्या आ गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई। मेरे को भी कसम लगे मैं शाम के स्कूल जाके ना सारे लोगों के साथ अंग्रेजी में बात करूंगी। ओह या इज दैट अ चैलेंज? चैलेंज भी और चैलेंज भी है। डन 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 डन। हाय जमुना को चैलेंज चैलेंज तो दिया ही पर ये नहीं सोचा कि उसे पूरा कैसे करोगी। इधर तो अंग्रेजी बोलेगी उधर अंग्रेजों की लाशें परेशान होकर कब्र में हिलने लग जाएंगी। कहीं मेरे बच्चे का नाम ही ना काट दे टीचर। बहू बहू मेरी एक किताब। क्या हो गया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? हाँ जी पिताजी। पिताजी एक बात है। क्या बात है? बता दूं पिताजी, पर ना आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि बात सुनकर आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि गंगा तुसी बड़े मुझे आखी हो। नहीं कहूंगा, बताओ। मैंने ना जमुना को चैलेंज दे दिया है कि मैं शाम के टीचर से अंग्रेजी में बात करके दिखाऊंगी। तो क्या पिताजी, मुझे तो हिंदी में अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में कैसे आएगी? अंग्रेजी बड़ी मुश्किल होती है पिताजी। तुम अंग्रेजी का नेचर तो समझ गई लेकिन एक माँ का और उसकी शक्ति का नेचर नहीं जानती। माँ चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आपका मतलब है मैं चाहूँ तो फटाफट अंग्रेजी सीख सकती हूँ? काम चलाओ तो सीख ही सकती हूँ। क्लास कब शुरू करें पिताजी? जब से चल क्या? हाँ इस पूरे कार में सिर्फ आप ही समझदार हो जो मुझे फटाफट अंग्रेजी सिखा सकते हो। सिखाओगे ना पिताजी? पिताजी सिखाओगे ना पिताजी? हाँ जी ठीक है। गंगा बेटी आदमी को पूरे ध्यान के साथ सीखना चाहिए, समझे? पिताजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ना अपना ध्यान इधर उधर से इकट्ठा करके सारा पढ़ाई में लगा रही हूँ। ठीक तो शुरू करें। हाँ जी
TO2 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 GO GO तुसी बड़े मजाक क्यों पिताजी जैसा TO2 होता है DO2 होता है वैसे GO क्यों नहीं होता गो क्यों होता है बेटे ऐसा है तू मेरा नेचर तो जानती है पर अंग्रेजी का नेचर नहीं जानती धीरे धीरे जान जाओगे जैसे जीओ गो होता है ना वैसे ही एनओ नो भी होता हाँ पिताजी शाम ना सवेरे सवेरे पढ़ रहा था कि के एन ओ डब्ल्यू भी नो होता है कनो क्यों नहीं होता पिताजी ओहो ये भी अंग्रेजी का नेचर है एनओ भी नो होता है KNOW भी नो होता है ये तो भाई गलत छलत बात है देखो पिताजी दो नाम के एक शब्द कैसे हो सकते हैं अब अगर आप मुझे बुलाते हो तो फिर जमुना तो नहीं दौड़ी दौड़ी चली आती ये चीज अलग है यहाँ KNOW में के साइलेंट है साइलेंट मतलब पिताजी मतलब चुप है हाय हाय के बेचारे ने क्या बिगाड़ा है जो उसे चुप करा दिया देख भाई सब तेरी तरह नहीं होते कोई कोई चुप भी होता है हाँ अभी जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो चुपचाप पढ़ बस पर पिताजी मैं चुप करके कैसे पढ़ूंगी चुप मतलब अच्छा चल जैसे भी तुझे ठीक लगे पढ़ ठीक है पिताजी थैंक यू पिताजी जाऊं ओके जी रॉन्ग नंबर थैंक यू रॉन्ग नंबर इतनी देर तो आप किससे बातें कर रही थी जेम्स जिस तरह लोग सब्जी काटने से पहले चाकू तेज काटते हैं ना उस तरह से मैं अपनी अंग्रेजी तेज काट रही थी ओह या कितनी तेज हुई वेरी फास्ट वर्ड्स कम फ्रॉम माय माउथ फास्ट 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 60 किलोमीटर पर आवर व्हाट डोंट डिस्टर्ब टाइम फॉर माय रीडिंग B.A.D. bad, S.A.D. sad, M.A.D. mad. How dare? You dare here, I go there, you come here. Oh yeah? My coat? ये माया कब से कोट पहनने लग गई? नहीं नहीं, पिताजी से पूछ लेती हूँ. पिताजी! पिताजी हाँ क्या बात है बेटे पिताजी माई कोट का मतलब क्या होता है माई कोट का मतलब होता है मेरा कोट अच्छा अच्छा माई कोट का मतलब होता है पिताजी का कोट माई कोट का मतलब मेरा कोट हाँ पिताजी मैं समझ गई आपका कोट मैं माई कोट मतलब पिताजी का कोट 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 मतलब माई कोट पिताजी का कोट मतलब माई कोट मतलब पिताजी का कोट पिताजी का कोट दीदी ये आप क्या पढ़ रही हैं जेम्स मैंने याद कर रही हूँ टमारो पिताजी मेरा फाइनल टेस्ट लेने वाले हैं और टमारो के बाद जो अगला टमारो आएगा ना उसे मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग दीदी तेरे को ज्यादा पता है भूल गई पांचवी पढ़ी हूँ मैं जाब माय कोट मतलब पिताजी का कोट माय कोट मतलब मेरा कोट तेरा कोट मेरा कोट वही तो मैं कह रही हूँ कि कल तक तो वो कोट पिताजी के पास था आज वो कोट पिताजी ने तेरे को दे दिया क्या ओह नो नॉट दैट वे दीदी माय कोट मतलब मेरा कोट देख जमुना अगर तूने पिताजी की चीजें ली ना तो मैं तुझे जमुना ही कहूंगी और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू इस कार में सबसे छोटी है तुझे पिताजी की चीजें हड़पने का कोई हक नहीं है हड़पने का व्हाट हड़पने का वो सब छोड़ तू चाहे माई कोट को लाख बार ना तेरा कोट कह ले पर मैं हमेशा माई कोट को पिताजी का ही कोट कहूंगी माई कोट मतलब पिताजी का कोट माई कोट मतलब पिताजी का कोट
कल जब गंगा दीदी स्कूल जाएंगी तो वहां क्या एक्सप्लोजन होने वाला है ये मुझे अभी से पता है। I just know it. पिताजी आप जल्दी से आशीर्वाद दे दो। जा रहे हो? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हमने जितनी भी अंग्रेजी सीखी है उसे एक बार हिंदी में दोहरा ले। क्या? नहीं मैं आपको हिंदी में कह रही हूँ कि हम अपनी अंग्रेजी दोहरा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर आने से पहले क्या कहेंगे? मे आई कम इन। और बाहर जाने से पहले क्या कहेंगे? मे आई कम आउट। अच्छा, और अगर किसी से कहना हो कि यहाँ आओ तो क्या कहेंगे? कम हियर। और किसी से कहना हो कि वहाँ जाओ तो क्या कहेंगे? तुसी बड़े मजाक करो पिताजी, पहले ना जहाँ आ जाएंगे फिर जहाँ के कहेंगे कम हियर, और बंदा जहाँ आ जाएगा। ठीक है पिताजी। ठीक ही है, भगवान तुझे कामयाबी दे, और क्या कह सकता हूँ। थैंक यू पिताजी। चल शाम आज ना हम फट्टे चाक देंगे। क्या कर देंगे? सुबह से शाम होने को आई है, स्कूल से लौटी क्यों नहीं गंगा? कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो? ओह नो फादर इन लॉ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन तो मुझे भी हो रही है बेटी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। गंगा बहू क्या हुआ? दीदी बहू कुछ बोलती क्यों नहीं है? दीदी बेटे, अरे कुछ तो बोल बेटे। पिताजी जैसे ही मैं शाम के स्कूल में पहुंची वहां मीटिंग शुरू हो गई तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, वेल मिसेस भूषण, योर चाइल्ड इज वेरी पुअर। नो माय चाइल्ड इज नॉट, ऑल इंडिया इज पुअर, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। यस आई नो, बट आपका शाम तो कमाल करता है। अगर उससे पूछो व्हाट इज माय कोट तो कहता है मेरा कोट मतलब दादाजी का कोट, और कहता है आपने उसे ये सिखाया है। यस माय कोट मतलब मेरे पिताजी और उसके दादाजी का कोट। हाउ वेरी सिंपल, आस्किंग पिताजी माय कोट बिकम्स पिताजीज कोट, आस्किंग जेम्स माय कोट बिकम्स जेम्स कोट, आस्किंग मी माय कोट बिकम्स आपका कोट। यू मीन टू से मीनिंग चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? नो, कोट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। I ask you one thing. My coat meaning? मेरा coat. And you? My coat? मेरा coat. So, पिताजी's coat, James coat and my coat हैं becomes साहब का coat. पर my शाम have no coat. So, no teacher ask where is my coat. But he says my coat मतलब दादाजी का coat with दादा।